हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल इंडिया SMMK में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप के बारे में। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स परेशान हैं अपनी यूपी स्कॉलरशिप की सेकेंड इंस्टॉलमेंट को लेकर। जी हाँ दोस्तों, यानी कि वो ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि हमारी यूपी स्कॉलरशिप की सेशन 2020-21 की सेकेंड इंस्टॉलमेंट आएगी या नहीं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेटस दिखाऊंगा। अगर आपका स्टेटस मेरे स्टेटस से मैच कर रहा है तो आपकी यूपी स्कॉलरशिप की सेकेंड इंस्टॉलमेंट ज़रूर आएगी, भले ही वो एक महीने दो महीने लेट आए। तो इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपकी स्कॉलरशिप की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आई थी या फिर आपकी सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं आई। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। सो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, पहले मैं आपको अपनी मोबाइल की स्क्रीन की तरफ लेके चलता हूँ। वहाँ पे मैं आपको लाइव दिखाता हूँ कि स्टेटस कहाँ से चेक करना है। अगर आपका स्टेटस मेरे स्टेटस से मैच कर रहा हुआ तो आपकी स्कॉलरशिप की सेकंड इंस्टॉलमेंट ज़रूर आएगी। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन की तरफ, आपको लाइव प्रूफ दिखाते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करना है। वहाँ पे आपको सिंपली सर्च करना है sarkarijobfind.com यूपी स्कॉलरशिप का स्टेटस देखने के लिए कि आपकी सेकंड इंस्टॉलमेंट आएगी या नहीं। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली नीचे आना है, आपको यहाँ पे चेक यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस 2021-22 पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप एक न्यू पेज पर पहुंच जाएंगे जहाँ पे आपको सिंपली नीचे आना है। जैसे ही आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप लोग 5 से 6 लिंक्स देख सकते हैं जहाँ पे आप लोग अपना प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक अदर देन का स्टेटस देख सकते हैं। आपको यहाँ पे सिंपली अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, यानी कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। प्लस आप लोग यहां से ऑफिशियल वेबसाइट के आगे जो क्लिक हियर लिखा है आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे, यानी कि scholarship.up.gov.in पर। उसके बाद आपको यहां पे सिंपली स्टेटस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहां से आप लोग सेशन 2020-21, 19-20, 18-19, 17-18 का स्टेटस देख सकते हैं। आपको सिंपली अपना जो ईयर है उस पर क्लिक करना है और आपको अपनी रजिस्ट्रेशन संख्या और अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल के आप लोग अपना स्टेटस देख सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि किन छात्रों की सेकेंड इंस्टॉलमेंट आएगी, यानी कि आपको लाइव स्टेटस दिखाता हूं। आप लोग मेरे स्टेटस से अपना स्टेटस जरूर मैच कर लिएगा। सो गाइज, यहाँ पर आप लोग ये स्टेटस देख सकते हैं। ये स्टेटस मैंने आज ही मतलब डाउनलोड किया है, आज ही चेक किया है। ये है सेशन 2019 का, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग करंट स्टेटस देख सकते हैं। फी रिइंबर्समेंट अमाउंट डिसबर्स्ड ₹55,000 एंड मेंटेनेंस अलाउंस विल बी डिसबर्स्ड सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, यानी कि इनका जो फीस वापसी का अमाउंट था ₹55,000 का वो तो इनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया था, मगर जो स्कॉलरशिप का अमाउंट था ₹6,600 का वो बजट की वजह से इनके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ था। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है के सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, यानी कि जैसे ही फंड आता है तो इनका अमाउंट इनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो अगर आपका स्टेटस कुछ इस तरह का शो हो रहा है तो आप लोग वेट करिए, आपकी जो स्कॉलरशिप है वो बहुत ही ज्यादा जल्दी आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी जैसे ही बजट रिलीज किया जाएगा। यहां पे आप लोग एक और स्टेटस देख सकते हैं, इनकी स्कॉलरशिप प्लस फीस दोनों ही नहीं आई थी और यहां पे दोनों स्टेटस इनके अंडर प्रोसेसिंग है सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ फंड। अगर आपका स्टेटस कुछ इस तरह का भी शो हो रहा है तो आप लोग वेट करिए, आपकी स्कॉलरशिप जरूर आएगी भले ही 4 से 6 महीने लेट आए, ठीक है। मगर अगर आपका स्टेटस कुछ इस तरह का शो हो रहा है स्कॉलरशिप अमाउंट डिसबर्स्ड ₹6,050 एंड फी रिइंबर्समेंट अमाउंट नॉट डिसबर्स्ड ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ फंड, यानी कि आपका ₹6,050 स्कॉलरशिप का अमाउंट तो आपको दे दिया गया था मगर ₹50,000 का जो फीस वापसी का अमाउंट है वो बजट की वजह से आपके अकाउंट में नहीं क्रेडिट किया गया है। तो यहां पर अगर आपका कुछ इस तरह का स्टेटस शो हो रहा है तो आपकी स्कॉलरशिप नहीं आने की बात बिल्कुल क्लियर है। ये माइनॉरिटी कैंडिडेट है और ये जो स्टेटस मैंने आपको दिखाए ये SC कैंडिडेट्स के स्टेटस हैं। सिर्फ SC कैंडिडेट्स की ही स्कॉलरशिप आएगी सेशन 2019-2020-2021 की और उनकी सेकंड इंस्टॉलमेंट भी आएगी जैसे ही बजट रिलीज होता है। माइनॉरिटी OBC जनरल वालों की नहीं आनेगी। सो गाइज, आप लोगों ने देख लिया, अगर आपके स्टेटस में लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ फंड तो आपकी जो स्कॉलरशिप है वो जरूर आएगी जैसे ही बजट रिलीज होगा, ये बात बिल्कुल क्लियर है। मगर अगर वहां पे लिखा हुआ है कि आपकी स्कॉलरशिप बजट ना होने की वजह से आपके अकाउंट में नहीं क्रेडिट की गई है, यानी कि इस वजह से क्रेडिट नहीं हुई कि आपका जो स्कॉलरशिप का बजट था वो नहीं था, तो आपकी स्कॉलरशिप नहीं आने की। अब बात आती है कि किन कैटेगरी के छात्रों की स्कॉलरशिप आएगी, तो देखिए SC ST कैंडिडेट्स की ही सिर्फ स्कॉलरशिप आएगी, यानी कि सेकेंड इंस्टॉलमेंट और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जिनकी पिछले साल की नहीं आई। माइनॉरिटी OBC और जनरल वालों की नहीं आने की ये बात बिल्कुल क्लियर है और ये मैं शायद अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपको बता चुका हूं। तो आप लोग नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे जो लिंक दे रखा है सिंपली उस पर क्लिक करके आप लोग अपना स्टेटस चेक करिए। अगर आपका स्टेटस मेरे स्टेटस से मैच कर रहा है तो आपकी स्कॉलरशिप जरूर आएगी, आप लोग वेट करिए दिसंबर तक का। और रही बात सेशन 2021-22 की, उसकी जो स्कॉलरशिप है आपकी वो 27 दिसंबर से आना स्टार्ट हो जाएगी। और अगर किसी भी तरह की कोई भी अपडेट आती तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट
कर दूं, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जैसे ही स्टेटस का ऑप्शन आता है सेशन 2021-22 का, तो भी मैं आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दूंगा। सो फ्रेंड्स, आज किस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।